तो आज की हमारी इस क्लास में हम मयूरी जी के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एरे फॉर्मूला। जी हाँ, आज की जो हमारी क्लासेज है वो एरे फॉर्मूले के ऊपर है। अब हम बात करते हैं कि एरे फॉर्मूला क्या है। तो चलिए मयूरी जी शुरू करते हैं बस कुछ सेकेंड्स में। जो लोग यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है जहाँ सारे वीडियो सीक्वेंस में मिलेंगे तो प्लीज़ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे डाउनलोड कर लें। तो हम बात कर रहे हैं मयूरी जी एरे फॉर्मूला की। एरे फॉर्मूला क्या करता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानिए एरे क्या होता है। एरे का मतलब होता है सिक्वेंसली अरेंज करना। अगर आप ट्वेल्थ में कॉमर्स लिए होंगे या बीकॉम आपने कॉमर्स से किया होगा तो आप एरे का जो है एग्जांपल ये सीखे होगा। सिक्वेंसली एरे का जो डेफिनेशन था वो सिक्वेंसली अरेंज करना, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सेलेक्ट कर लिया और एक ही साथ हमने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखिए पूरा आ गया। तो आप यहाँ एक एक सेल अलग अलग करके लिखें या आप एक साथ लिखें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका यूज क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। तो इसका यूज बहुत सारी जगहों पे होता है जहां पे हमें सिक्वेंसली अरेंज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम दिया हुआ है, राइट सुजीत, मुझे हर लेटर को अलग अलग कन्वर्ट कर इस तरह सेल में चाहिए, SUJEENT इस तरह चाहिए। तो इसके लिए हम मिड का फॉर्मूला लगाएंगे कि मिड हमने इसको टेक्स्ट सेलेक्ट किया और हमने बोला कि पहले से पहला लेटर अलग करें, राइट, पहले से पहला लेटर अलग करें, ओके सर। पहले से पहला लेटर अलग करें, फिर यहां पे हम लिखेंगे अगेन मिड हमने सेलेक्ट किया इसको और हमने बोला दूसरे से पहला लेटर अलग करें, फिर अगेन मिड हमने सेलेक्ट किया इसको और बोला कि तीसरे से पहला लेटर अलग करें, ऐसे चौथा पांचवा ऐसे हमें लगाना, राइट। तो इसके लिए क्या करें, हम इसके लिए सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिड के फॉर्मूले जो हमने लगाए हैं उसको एक जगह सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ मिड के फॉर्मूले में जाएंगे और कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे (1), राइट। तो यहाँ देखिए हर सेल में हमारा फॉर्मूला सेम था बट हम इनपुट को 1, 2, 3 इस तरह से डाल रहे हैं। उसी चीज को हमने यहाँ पे डाल दिया और आप देखिए यहाँ पे आपका अलग अलग सेल में आ गया। अगर कैपिटल लेटर्स में चाहिए तो इसके लिए आप उसको इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दीजिए, अपर और एंटर मार दीजिए, आ गया अपर में, ओके समझ गए, डाउट इसमें क्लियर है ना। तो अपर लेटर में इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये अपर लेटर में आपका आ जाता है। तो एरे का कंसेप्ट समझ में आ रहा है, एरे क्या करता है। तो एरे का दो पार्ट होता है, पहला होता है डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बताया कि वो ऐसे सेल बाई सेल को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, दूसरा होता है कैलकुलेशन। अब हम आपको कैलकुलेशन के एग्जांपल को भी बता रहे हैं। मेरे पास कुछ नंबर्स है, अब मुझे इस नंबर में कुछ कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले तो मुझे इसको इसमें इसको जो है मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, हर नंबर को मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, राइट। फिर जो नंबर 5 से मल्टीप्लाई हुआ है उसको डिवाइड बाय 10 करना है,
क्या करना है, डिवाइड बाय 10, ठीक है, यहां पे डिवाइड बाय 10, राइट, सॉरी गलती हो गई, मल्टीप्लाई बाय 10, देन नंबर्स हमने लिया, डिवाइड बाय 10, तो ये हमारा मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारा डिवाइड बाय 10, फिर जो नंबर आया है उस सब में मुझे प्लस 100 ऐड करना है, यहां पे भी क्या कर वो क्या रहा है प्लस 100 कर, ठीक है, और उसके बाद सबको वापस इसको इसमें जो है इसके मल्टीप्लाई बाय 9 कर देना है और रिजल्ट हमें यहाँ चाहिए, क्या ही रहने दीजिए, फिर इतना ही रहने दीजिए, इन सब का मुझे सम चाहिए इक्वल सम। तो इसकी इस रिजल्ट को पाने के लिए 548 को पाने के लिए आपको चार लाइन में इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा, राइट, ठीक है, इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा। देखिए इसी चीज को मैं एक सेल में कर सकता हूं, देखिए यहां यहीं पे कर देता हूं, हम यहां करेंगे सम, सम इसको सेलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10 एंड प्लस 100, लेकिन इसको ऐसे रखने से नहीं होगा, मुझे क्या करना होगा, कर्ली ब्रैकेट, नहीं कर्ली ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट्स देना है, बोर्ड मास बता, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, अब एंटर मारिए, आ गया 548। तो इसी कैलकुलेशन के लिए हम इतना सारा तामझाम किए, एरे यहां पे कर दिए, तो एरे लगाने का पर्पस ही यही होता है, एरे लगाने का पर्पस क्या होता है, कि आप जो है बड़ी बड़ी माइक्रो मतलब कि बड़े बड़े फॉर्मूलेज को जो बहुत ज्यादा लेंदी है और बहुत ज्यादा जगह लेता है, ऐसे माइक्रोज को आप ऐसे सॉरी ऐसे फॉर्मूलेज को आप एक सेल में लगा दें, ठीक है, क्लियर है, सर आपको मैम आपको yes, अब बात करते हैं कि सीखने के लिए क्या चाहिए अबाउट एरे। देखिए एरे कोई लिस्ट ऑफ फॉर्मूला नहीं है कि 10-20 फॉर्मूले का लिस्ट है आपको पढ़ा दिया, तो एरे कोई लिस्ट ऑफ फॉर्मूला नहीं है, एरे क्या है, एरे फॉर्मूला लगाने का तरीका है, एरे क्या है, फॉर्मूला लगाने का तरीका है, इसके कंसेप्ट को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, और कंसेप्ट जो समझ में तभी आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने हिसाब से कम 10 या 15 फॉर्मूले की प्रैक्टिस करें और करके मुझे भेजें,